नमस्कार, चौराहट केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंगल ग्रह के यंत्र को घर में रखने से क्या लाभ होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यदि आपके घर में भी मंगल ग्रह का यंत्र नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले के धुले के पास अमलनेर में मंगल ग्रह का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में मंगल दोष शांति के लिए प्रति मंगलवार पूजा और अभिषेक होता है। इसी के साथ ही यहाँ पर मंगल ग्रह से संबंधित पवित्र वस्तुएं भी मिलती है, जैसे इत्र, पौधे, प्रसाद आदि। इसी के साथ ही यहाँ पर एक चमत्कारी यंत्र भी मिलता है। यहाँ मिलने वाला मंगल यंत्र को कार्य सिद्धि करने वाला माना जाता है। यह यंत्र तांबे के एक चौकोर पत्थर पर त्रिभुजाकार में खुदा होता है। इस यंत्र को घर में रखने से कुंडली में यदि मंगल दोष है तो उसका समाधान होता है, और साथ ही इस यंत्र के प्रभाव से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। मान्यता के अनुसार यह मंगल यंत्र जातक को घटना दुर्घटना से भी बचाता है। सिद्ध किया हुआ यह यंत्र क्रोध को भी काबू में रखता है। यह विवाह में आ रही बाधा या वैवाहिक जीवन में आ रही बाधा को दूर करता है। यह किसी को अपने कर्ज चुकाने में भी सक्षम बनाता है, अर्थात कर्ज से यह मुक्ति दिलाता है। कहा जाता है कि यह यंत्र गर्भवती महिलाओं के लिए बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी के लिए प्रभावी है। यह मातृत्व के वंचित सभी बाधाओं को भी समाप्त करता है। इस यंत्र से जादू टोने के प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से सिद्ध किया हुआ यंत्र ले जाने के बाद इस यंत्र की मंगल देव के साथ घर में शुद्धिकरण करने के बाद मंगलवार को विधिवत स्थापना करनी चाहिए, तभी यह प्रभाव देता है। यंत्र को सामने रखकर 21 बार मंगल देव के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, फिर इसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए, उसके बाद इसको स्थापित करना चाहिए, तब यह सिद्ध हो जाता है। तो यदि आपके घर में भी मंगल यंत्र नहीं है और आप कभी महाराष्ट्र के इस मंदिर में जाएं तो वहां से मंगल यंत्र को सिद्ध करके जरूर लाएं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का वो आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।